ये रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। ब्रेड टूटने की तो ना आयो। यो धरती पे नया आयो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर सेकंड पार्ट देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए, जहां पे हम लोग रिलैक्सो फुटवेयर का जो कैपेक्स के बारे में बात की है, कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन है, बिजनेस कैसे चल रहा है, इसको बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री कैसे करने वाला है, एमडी का क्या कहना है रिलैक्सो फुटवेयर को लेके, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, रिसेंटली एक जो कंपनी के ऊपर चैलेंज दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी भी 1% 1.7 पेयर यूज करते हैं। फुटवेयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसको ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो ये 3 पेयर है और डेवलप कंट्री में ये 6.5 है। तो ये जो ग्रोथ है ये 3 भी पहुंच जाता है तो ये ग्रोथ डबल के आसपास होने वाला है। वर्ल्ड वाइड फुटवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडियन फुटवेयर जो इंडस्ट्री है और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगर आप ग्लोबल फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 5.5% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है आगे आने वाले 3 या 4 साल के अंदर। 2021 से ये कंपेयर किया गया है। अगर आप इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो ग्रोथ है ये 10.8% का रह सकता है। लेटेस्ट एनालाइज रिपोर्ट के अनुसार ये ग्रोथ 12 से 14% तक रह सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का एनालाइज का यहाँ पे कहना है। उसके बाद यहाँ पे कंजम्पशन की बात करते हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन होता है फुटवेयर का वो चाइना में ही होता है और मैन्युफैक्चर भी सबसे ज्यादा चाइना ही करते हैं, क्योंकि जो इंडियन चाइनीज फुटवेयर इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ा है और ये वर्ल्ड वाइड सप्लाई भी सबसे ज्यादा यहाँ पे करते हैं। इंडिया की बात करें ये सेकंड पोजीशन में आता है। 2019 में यूएसए को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए ये सेकंड पोजीशन हासिल कर पाए बहुत जल्दी। तो इंडिया में ये 2560 मिलियन पेयर का दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप बाकी कंट्रीज यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इस सारे फिगर को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री किस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। प्रोड्यूसिंग की बात करें तो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर के हिसाब से जाना जाता है और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन फुटवेयर सेक्टर को। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बहुत ही तेजी से हो रहा है और इम्पोर्ट जो है वहां पे डिक्लाइन हुआ है। पिछले कुछ साल से पहले अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री को देखते तो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, लेकिन पिछले 2 या 3 साल के अंदर ये जो इंपोर्ट है ये धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि जो ई कॉमर्स का सेगमेंट है यहाँ पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रहा है और रिलैक्सो फुटवेयर हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon। साथ ही साथ इंडिया के अंदर फैशन का जो सेंस है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसीलिए हर एक पर्सन यहाँ पे घर के लिए, बाहर के लिए, फैशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग शू यहाँ पे खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। और रिलैक्सो फुटवेयर का जो सेगमेंट है ये डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए इसका फायदा भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मिल रहा है। इंडिया के अंदर जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है वो एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है रिलैक्सो फुटवेयर जैसे कंपनीज के लिए। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। इंडियन लोग अभी ब्रांडेड खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और रिलैक्सो फुटवेयर जैसे ब्रांड बहुत ही चीप होने के कारण सबके लिए फेवरेबल भी हो जाता है। अगर आप ब्रांडिंग की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर ब्रांडिंग के मामले में बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी रिलैक्सो फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है कि ये जो जुड़े हुए हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है और ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रिलैक्सो फुटवेयर का जो मेन बिजनेस है स्पार्क्स का बिजनेस, इस पर्टिकुलर सेगमेंट 40% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू के मामले में और इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो कैपेसिटी है उसको डबल करने वाला है रिलैक्सो फुटवेयर, वो भी बहुत जल्दी। तो यहाँ पे डिमांड को देखते हुए कंपनी यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं जिसके फायदा आगे आने वाले सालों का रेवेन्यू के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करिए तो रिलैक्सो फुटवेयर के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां पे 10 लाख पेयर आप बना सकते हैं हर रोज। तो ये ग्रोथ भी बहुत ही तेजी होने वाला है। ब्रांड की बात करिए तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है रिलैक्सो फुटवेयर का वो 388 है जहां पे रिलैक्सो फुटवेयर का ही सामान आपको मिलेगा। यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर का ऑल ओवर इंडिया 388 EBO है। 60,000 MBO भी आपको देखने को मिलेगा जो मल्टी ब्रांड स्टोर है यहाँ पे। तो जो फुटवेयर स्टोर है यहाँ पे 60,000 स्टोर में मिलेगा, 388 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो 650 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और 30 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो रिलैक्सो फुटवेयर का प्रोडक्ट 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ऑनलाइन भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म में आपको रिलैक्सो फुटवेयर का सामान मिल जाएगा। और ओवरसीज जो ऑफिस है दुबई के अंदर और एक ऑफिस रिलैक्सो फुटवेयर ने ऑलरेडी खोल चुका है। उसके बाद आपका जो सेल की बात करें यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है और कंपनी यहाँ पे जो वेस्ट है वो बहुत ही कम करने की कोशिश लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। प्राइसिंग पावर यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा है क्योंकि कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कंपनी खुद करते हैं, इसीलिए कंपनी के जो प्राइसिंग पावर है वो हमेशा बना रहेगा। अगर कंपनी का एमडी की बात करें, एमडी मिस्टर दुआ 46 ईयर एक्सपीरियंस के साथ रिलैक्सो फुटवेयर के साथ जुड़ा हुआ है बिगिनिंग से। साथ ही साथ अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें तो सारे जो डायरेक्टर है रिलैक्सो फुटवेयर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक्सपीरियंस 21 ईयर से लेके 50 ईयर तक आपको देखने को मिलेगा। यही है मेन सक्सेसफुल के पीछे एक्चुअली। तो रिलैक्सो फुटवेयर सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स है यानी कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग आपको देखने को मिल रहा है। फुटवेयर का रिजल्ट आपने डिटेल्स में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाए हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के अंदर भी भयंकर प्रेशर रिलैक्सो फुटवेयर को देखना पड़ रहा है। उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है इन्वेंट्रीज। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले रिलैक्सो फुटवेयर का इन्वेंट्रीज के अंदर नेगेटिविटी होता था, वो यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं करता था, लेकिन इस बार यहाँ पे 40 करोड़ का यहाँ पे झटका रिलैक्सो फुटवेयर को लगा है। इसके कारण ये इन्वेंट्री के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी प्रेशर क्रिएट हुआ और ईपीएस में भी हुआ, इसीलिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास करीब करीब 70% से भी ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग रखा है और म्यूचुअल फंड के द्वारा 7.4% एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा 3.1% एंड रिटेल इन्वेस्टर करीब करीब 18.7% होल्ड करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर का। अभी बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर जो रेड अलर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहा है यानी कि जो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। रिसेंटली कंपनी का जो पीई है वो 120 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसके पीछे का एक वैलिड रीजन है फ्यूचर डिमांड को देखते हुए यानी कि फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री नंबर वन होने के कारण फ्यूचर में ये और भी तेजी से ग्रो करने वाला है, ऐसा अंदाजा लगा के यहाँ पे पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पे हाई वैल्यूएशन यहाँ पे दे रहे हैं। ये एक रेड अलर्ट इसीलिए हो सकते हैं, कभी भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो ये बहुत ही तेजी से ये शेयर प्राइस के अंदर डिग्रोथ आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ही बुरी तरीके से पिटा है, इसीलिए कंपनी शेयर प्राइस भी यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन ये सवाल ये आता है कि नंबर वन प्लेयर होने के कारण भी इन्वेंट्री को ये लोग मैनेज नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं जैसे कि कैंपस जैसे कंपनी से कंपेयर करते हैं, वहां पे ये ग्रोथ अच्छी तरह से आया है, कंपनी का मार्जिन भी स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर मार्जिन को भी स्टेबल नहीं कर पाए है, साथ ही साथ वैल्यूएशन भी यहाँ पे बहुत ही हाई है। हालांकि मैं बता दूं कैंपस का भी वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ही हाई है। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे आपको नजर रखना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशन को भी आपको देखना चाहिए, तो पीई को नजर रखिए क्योंकि ₹1 इनकम करने के लिए आपको ₹120 अभी देना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि फ्यूचर ग्रोथ है, डिमांड है, लेकिन ये वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।